आज पिथौरागढ़ की जो निर्माणाधीन थरकोट झील है उसको हम दिखा रहे हैं। ये थरकोट झील कहा जा रहा है कि बन के तैयार हो गई है 90%। ये जो झील है वो इस प्रकार से है, आप देखिए इसके जस्ट ऊपर ये सड़क जा रही है। ये सड़क आपका हाईवे, पिथौरागढ़ का हाईवे, और इसी के जस्ट नीचे पिथौरागढ़ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर यह झील बनाई गई है सरकार द्वारा। ये देखिए ये पानी अभी ये नीचे से ये बह रहा है, इसको रोक करके इसमें झील बनाई जाएगी। लेकिन 90% हो चुका है, अखबारों में आ रहा है झील बन चुकी है, लेकिन अभी तक जो कार्य हो रहा है वो आप देखिए। ये पिथौरागढ़ का दुर्भाग्य कहें या राजनीतिक भेंट कहें, हर चीज़ अधूरी ही है। क्या एयरपोर्ट हो, रेडियो स्टेशन हो, स्टेडियम हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, और गार्डन है चंडाक का, जो ट्यूलिप गार्डन है करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो चुका है, धरातल पर कार्य करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अब एक पत्रकारिता का स्टूडेंट होने के नाते थोड़ा सा मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूं कि ये जो नेशनल हाईवे है इसके जस्ट नीचे अगर आप पानी भरेंगे तो ये जो सड़क के नीचे जिस पर सड़क बनी है ये दीवार बहुत कच्ची और चुने वाली है, और ये स्लाइड जोन बन के रह जाएगा। आप देखिए भविष्य में अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। देख लीजिए ये पिथौरागढ़ जनपद का ये थरकोट झील है, वर्षों से मांग की जाती रही है कि थरकोट झील निर्माण किया जाए, पर्यटक आए। अब पर्यटक आते हैं नहीं आते हैं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन निर्माण कार्य हो रहा है, धनराशि गवर्नमेंट की खर्च हो रही है, न जाने कब तक बन के तैयार होगा। लोग बात चर्चाओं का जो है बातों का जो है क्रम बड़े जोरों पर है, झील बन रही है सालों लग गए। आगे 5 किलोमीटर दूर आपका पिथौरागढ़ शहर है और ये नगर के समीप ही यह थरकोट झील बन रही है। इससे पूर्व रई झील की मांग थी लेकिन रई झील बन नहीं पाई, अभी थरकोट झील पर धनराशि खर्च हो चुकी है। अब भविष्य बताएगा कि क्या थरकोट झील सफल होगी या नहीं होगी, लेकिन ये जो सड़क है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया इसके किनारे तो ये सड़क ही ध्वस्त हो सकती है। अगर इसके जो देखिए आप नीचे साइड को ये सब पत्थरीला चूना वाला जो है मिट्टी है, अगर नीचे पानी भरेगा तो शायद अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ये सड़क भी बाधित होगी भविष्य में। सभी पिथौरागढ़ वासियों को शुभकामनाएं कि आपके नगर में पर्यटक आएं, झील बने और नाव चलें। शुभकामनाएं।